तो हरियाणा में जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। अब चुनावी महासंग्राम के बीच में गुड़गांव सीट से जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राहुल यादव फाजिलपुरिया ने यह दावा कर दिया है कि कांग्रेस के टिकट पर फिल्म अभिनेता राज बब्बर की बजाय अहिरवाल के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव अगर चुनाव लड़ते तो वो कैप्टन को समर्थन देने में देर नहीं लगाते। राहुल यादव फाजिलपुरिया यहीं नहीं रुके, गांव सहारनामा कालूबाद समेत एक दर्जन से अधिक चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राजाओं का महलों में रहने का समय अब लद चुका है और क्षेत्र का युवा जाग गया है, ऐसे में अब चुनाव को एकतरफा नहीं रह गया। कहना चाहता हूँ अब की बार जनता ने विचार बढ़ा लिया है बदलाव लाने का, अब की बार उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठा ली है। जैसे आपने देखा होगा जो जन सैलाब सारनवास गांव से जो प्यार मिला है, सिस्टर भी है यहाँ पे भाई अभिमन्यु जी, इन्होंने जो मेहनत करी, आज मैं कहना चाहूँगा सारनवास गांव को भाई के ऊपर विश्वास है और मैं भाई का विश्वास कभी भी कम नहीं होने दूंगा। मैं विश्वास कांग्रेस ने धोखा किया है और ये धोखे की राजनीति करी है, कैप्टन साहब के साथ धोखा करा। अगर लोगों को टिकट देते तो मैं कह रहा हूँ कि मैं निश्चित तौर से अपने घर बैठ जाता, मैं नहीं आता, क्योंकि हमें एक बदलाव के लिए इंसान चाहिए था। राज बब्बर यहाँ के नहीं, जो हमारी जिंदगी नरक बना रखी है राव इंद्रजीत जी ने बनाई। मैं कहना चाहूँगा मैं भी उनका वोटर रहा हूँ लेकिन मुझे भी वो सुविधाएं नहीं मिली, मेरा हक नहीं मिला और मैं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपनी जनता के, अपने बड़े भाइयों के लिए, अपने युवा साथियों के लिए उनके हक की लड़ाई। राव इंद्रजीत कह रहा है मेरा लास्ट चुनाव है, तो मतलब लास्ट चुनाव है तो हमारा भविष्य खराब कर दो, लास्ट चुनाव है घर बैठ जाओ। अगर वो काम करते हैं, मैं कहता हूँ हमारे आदरणीय है, हम उनकी इज्जत करते हैं और ताउमर करेंगे, और मैं चाहता हूँ अगर उन्होंने अच्छे काम करे तो हम गर्व भी करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, अगर उनको राजाशाही चलानी है तो घर में बैठ के चलाएं, हमारा भविष्य खराब ना करें, आने वाली पीढ़ी का भविष्य।